नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूछता है कौन। मैं आपका अपना अर्बन ओल्ड जवानी स्वागत करता हूं अपने पैनल के अंदर। आज का जो हमारा मुद्दा है, ये यहां किसने रख दी है? ये मेरी चैट है, मुझे मुंह जवानी याद है। क्या मेरे स्टाफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जो काला स्क्रीन वाले पत्रकारों से मिला हुआ है, या उस सरकार से जो समुद्र के पास वाली सरकार है? उस सरकार को जरा सा मजाक पसंद नहीं है। मैंने बस हाथ उठा के इतना कह दिया, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो। घर में पहुंच गए, सीधे घर के अंदर। अरे भाई, नोक करता है आदमी, पूछता है सीधे घर के अंदर, मजाक ना करे कोई। और उसके बाद भी यहां तक नहीं रुका, गाड़ी तक ले जाते दो रेपटे मार दिए थे मेरे। गाड़ी के अंदर से मैं हाथ हिला रहा हूं, चले जाओ। जितने कैमरे उतने रेपटे थे, लक्ष्य बज रहे थे अंदर। लेकिन नहीं, कवर करेंगे, यहां गाड़ कवर नहीं हो रही है, तुम्हें हम मुझे कवर करना है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है एक ऐसी जगह जहां पर आए तीसरे दिन एक नया चलन चल चुका है। नए नए रंडी रोने होते हैं कुछ, या आसान भाषा में कह लीजिए कि बस एक ट्वीट किया और लोग आ गए अपनी गांड रगड़ने के लिए, उस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए। जी हां, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं ट्विटर की। ट्विटर की, जी हां मेरे दोस्तों, ट्विटर की बात कर रहा हूं। ट्विटर के पूरे विश्व के अंदर 33 करोड़ एक्टिव यूजर है और 80% लोग मोबाइल से यूज करते हैं। जानते हैं क्यों? मैं बताऊंगा, क्योंकि इन बहन के लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जैसी चीज खरीदने के लिए पैसा लगता है और ये भोसड़ी के बस यहां लगे रहते हैं, टक 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 टक। और इन्हीं में से कुछ मादरचोदों ने ये लीक कर दिए और इसके बल पर वो उछल रहे हैं। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए अपने पहले गेस्ट को बुलाते हैं, मिस्टर सिकंदर कलेसी जी। कैसे हैं आप? मैं एकदम दीदू, आप बताओ कैसे हो? तो सिकंदर जी, ये बताइए कि आप ट्विटर चलाते हैं? नहीं, मैं नहीं चलाता हूँ, ये सब तूते चीजें होती है। मैंने थोड़ी ये चीज चलानी थी। सिकंदर चलाता है, साइकिल चलाता है, डीजल पेट्रोल थी तो टेंशन नहीं होती है। और अदर तो आवाजबाजी दी था ना इसकी मेहंदी दूध, तो सिकंदर भाई बुलेट चलाते हैं, वो भी दोनों हाथ तोड़ दे, दद्दी पे थड़े होते, दुनिया की दाण फट जाती है। दिखाओ बहन, तो ये दिखाओ ना, ये तरते दिखाओ, पूरा ऐसे थड़ा हो जाता हूँ। लो तल रही है बुलेट, अपने आप तल रही होती है बुलेट। नहीं नहीं सिकंदर जी, मेरा मतलब है ट्विटर चलाते हैं यार। दो बार बोलने से तो चीज थोड़ी बदल जाएगी। भोसड़ी से तूतर जलाते हैं हम, समझ में आ गई बात? दाण जलाते हैं तो भोसड़े दाण में उतरता है ना, उस तो बिरदेश तुलचे वाला ना, उस तो उससे तवे पे बिठा देते हैं। जिस तवे पे वो तुलचा सेतता है ना, बतर डालते हैं ऐसे ऐसे, उसी पे बिठा देते, दाण धुमा देते ना, सिद्ध जाती है, तरारी हो जाती है। अभी दो तीन दिन पहले उस तो मुटल्ले तो बिठाया था, उस तो मोनू तो दल्ले तो ना था हवा बात। अब नहीं, मेरा मतलब है सिकंदर जी, आप ट्विटर एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप वो चलाते हैं जैसे कि और ऐप्स होती हैं। तर रहे हैं तू क्या अंतर? फिर सब बोलेंगे थे तो तुम एंतर तो दाली बजे थे, भोसड़े वाले बोल देते तो। अब तेरे तान में लोड़ो दुस्त तो सुनाई दे रहा है, 10 बारी बोली नहीं चलाता हूँ, नहीं चलाता, नहीं चलाता, तो तू थी जबरदस्ती तू तोड़ मुंडली थी दारा। नहीं नहीं सिकंदर जी, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई तो वजह होगी ट्विटर ना चलाने की। अरे बहन तोड़ो फिर तू, अरे भाई मेरे पास तान धंधा नहीं है, तू तर चलाता रहूँ बैठते, पता स्थान होते हैं, 7 बजे जाता हूँ, सी बोलती नाली साफ तरनी होती है, उसके बाद उधर से दफ्तर भर जाते हैं, मैंने थोड़े वो तरने होते हैं, 50 बार दफ्तर में हाजिर लगानी होती है, तीसरा माथ उतरने जाता हूँ, तो सिर्फ 7 बजे जाते ऐसे लद्दो और बैठ दो लेते थे, हाँ जी मैं बतर तरूँगा, साथ तरने लग रहा है यार। सिकंदर जी, मगर क्या है कि आजकल जो युवा है, युवा लोग जो हैं वो अपने विचारों को साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लेते हैं। युवा तो ये भयंतर तुच्छ यूज नहीं करता, युवा विचार विचार अपनी माँ चुदा देते हैं। इन भयंतर लंडो तो लड़ती मिलती नहीं है, तो जितना लड़ती नहीं मिलती भोतड़े तहीं भी दुसते तुच्छ भी बस्तो ही तर रहे होते हैं ये। इन तो बस सहती हो जाए अपनी भैन चुदाई भोतड़ी, इन तो क्या मतलब है तूतर पुतर तो भयंतर हो तो बतवा तरते दिखा रहे हो आप। मतलब सिकंदर जी, आप ट्विटर बिल्कुल भी यूज नहीं करते? तो भयंतर तो तू बंद हो जा, तेरी बहन दे ट्विटर ट्विटर तो बंद रखो बहन, नहीं देना अपनी दाण मराओ बहन थोड़ो तमीज तमीज बोलते। समझ गया मैं, तुतर ये नहीं पुतरा उतरे रोती थाते नहीं थाते, ये तरते वो तरते, तुतर चलाओ तुतर चलाओ तुतर तो मेरे तुतड़ो में वो थोड़ी दे तुतर थाले सात से 9 बजे तक दाण मराते, तब जाते हमारी सैलरी आती है और हम रोती थाते हैं। बहन तेरे तुतर लेते बैठे तुतर लेते बैठे अपने मत तुतर तू तला तुतर तू तो तैनात तला दल ले तल। नहीं
नहीं नहीं सिकंदर जी, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। हाँ जी, धन्यवाद आपका इस पैनल में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे गेस्ट सिकंदर कलेसी जी। तो आइए अब अगले गेस्ट को इनवाइट करते हैं, जिनका नाम है मोनू भंडवा। जी हाँ, मोनू भंडवा, सही सुना आपने। मोनू जी, कैसे हैं आप? अरे बड़े भाई, आपको हमारी चिंता है, तभी तो मोनू भाई जिंदा है। बड़े भाई, और बड़े भाई क्या हाल चाल है? क्या बात है मोनू जी, शायरी करने लगे हैं अब आप? ट्विटर पे डालते हैं कि नहीं? अरे बड़े भाई, मतलब ट्विटर की जरूरत पड़ेगी मोनू भाई को? अरे साला ट्विटर तो सब कुछ पूछ के मोनू भाई से डालता है। मोनू भाई हल्के ले रहे क्या बड़े भाई? अच्छा, तो मोनू भाई आपकी बातचीत ट्विटर तक है? फिर बड़े भाई, अरे मोनू भाई की बातचीत है बड़े भाई? अभी कल इलोन मस्क का फोन आ गया बड़े भाई, परेशान हो गया, दो कॉल नहीं उठाए तो बातचीत है बड़े भाई। दोस्तों, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि इलोन मस्क वही शख्स हैं जो विश्व प्रसिद्ध टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो कि गाड़ी बनाती है। तो मोनू जी, मुझे बस इतना बताइए कि आपकी क्या बात हुई इलोन मस्क से? बड़े भाई बातचीत क्या होनी थी, 10 बार हाथ जोड़ के पूछ लिया करा। अरे मोनू भाई बता दो, ये ऑटोमेटिक कार कब लॉन्च करनी है इंडिया में, और क्या पूछेगा? अच्छा। अरे बड़े भाई चूतिया दौड़ी है वो आदमी है? अरे सारी दुनिया थोड़ी एहसान फरामोश होती है बड़े भाई, जिसने आइडिया दिया उससे ही तो पूछेगा है? अच्छा, तो मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक कार का आइडिया आपने दिया था? तो मोनू भाई, मैं पूछना चाहूंगा, आपको आइडिया आया कैसे? कोई तो रीजन रहा होगा। अब बड़े भाई आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। अभी मैं अपने बाबू को लेके तो सीट पे बिठा के थार में घूम रहा था बड़े भाई, बाबू एकदम से बोल पड़ी, कहती है बाबू थोड़ा सा देख लो, मन में चल रहा है। अच्छा, फिर? बस बड़े भाई, जैसे ही बाबू ने बोल दिया कि बड़े बाबू मन बन गया है, मैंने कहा अच्छा बड़े बाबू, बस एक बार को तो मन हुआ के बस अब इस कार को टार चंदा वंडर कार बना दिया जाए बड़े भाई। अंदर परफॉर्मेंस चल रही थी बड़े भाई, बस साली थार धोखा दे गई बड़े भाई, वो टार चंदा वंडर कार बन नहीं भाई बड़े भाई, यहाँ अपनी चल रही है बड़े भाई। वहां जैसे बाबू को चिज्जी देने ही वाला था बड़े भाई, इधर कार ठुक गई बड़े भाई, कार ठुक गई तेज, और अंदर अपनी बहु फंस गई, जल्दी फंस गई बड़े भाई। बड़ा दर्द होता है बड़े भाई, बड़ा दर्द होता है, परेशान हो गया था बड़े भाई, बस क्या होता हूँ, तभी बड़े भाई आइडिया आ गया बस। अच्छा, हाँ तो फिर आपने सोचा कि क्यों ना टार्जन वाली कार सच में बनाई जाए, यही? बस बड़े बड़े भाई बस। अरे बड़े भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अभी 2-4 दिन पहले उसका फोन आया था, वो नया प्रेसिडेंट नहीं बना, बिडेन बड़े भाई हाथ जोड़ के बैठ गया वीडियो कॉल पे नीचे बरस में नीचे, कह रहा मोनू भाई बचा लो, वोटो से जीत गया हूँ, ट्रंप निकल नहीं रहा है बड़े भाई, आगे लगवा रहा है बड़े भाई। मैंने कहा पहले उठ के बैठ जाए, मैं देख लेता हूँ बड़े भाई, घंटे भर में उसका ID बंद करा दिया बड़े भाई, यहाँ उसने सांस लेनी शुरू की बिडेन ने बड़े भाई, बातचीत है वो आपकी करामात थी। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मोनू भाई कि आपकी कुछ ज्यादा ही सांठगांठ है ट्विटर के साथ। अरे बड़े भाई आज देखते जा, अगली बार के लोकसभा के इलेक्शन भी ट्विटर में ना करवा दियो, मोनू भाई नाम नहीं है बड़े भैया, बातचीत है। ओहो, तो मोनू भाई आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको जब हम दोबारा बुलाएंगे तो आप जरूर आएंगे। नमस्कार मोनू भाई। अरे बड़े भाई आपको बस बुलाने की देर है, मोनू भाई आज ही रो जाएंगे। चलो बड़े भाई चलो। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे प्यारी प्यारी बात करने वाले मोनू भाई। हम अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सीधे हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर कल्लू। रो भाई, इज्जत गिव एंड टेक होया करा है, आ गई बात समझ में? हम तेरे तो भाई जी करके बात करने लाग रहे, तू बहन चो तुम बात कर रहे मिस्टर कल्लू, तो जी कौन लगा होगा, बटे उला रहा है मैंने अपना है, फिर तुम नू कहो कि अब आके भाई कालू गाली बका है, समझा लिए इनते बहन के लंडो तो बहन चो के कवा यो, ठंड खा जी लगा के बात करिए भाई। ठीक ठीक, माफी चाहूंगा मिस्टर कालू जी, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ट्विटर चलाते हैं? ट्विटर
भाई मेरे तो यो बैन छो ट्विटर ट्रटर की बात मन्ना करिए, ट्विटर बैन छो इतनी भूंडी जगह, इतनी घटिया जगह आई हो, क्या बताऊँ भाई तुमने। भाई मैंने नू सोची भाई कि फेसबुक इंस्टॉल कर रखा मैंने, इंस्टा भी चला रखा भाई, मैंने सोचा भाई इसने भी इंस्टॉल करके चला लें इनू है। भाई हमने ट्विटर इंस्टॉल कर लिया भाई, मैंने क्या करी अपनी लुगाई के अल भाई एक फ़ोटो गाल दी, उस पर लिख दिया भाई हैशटैग विद माई लुगाई, मी विद माई लुगाई। ये मेरे तो यो बता दे भाई इसमें क्या गलत बोल दिया भाई, मैंने फोटो गाल दी इतने में भाई साहब रामफड़ का फ़ोन आ लिया। रामफड़ बोला भाई क्या डाल दिया था ना, एक बार फोटो के नीचे कमेंट पड़ी है, मैं एक बार दिखाऊँ क्या था, स्क्रीनशॉट ले रखा मैंने भाई, इसमें लिख रखा है एक बालक ने करा, ओ भाई ओ गवार, मेरे तो गवार का भाई यो बैंड चो, यो मेरे तो गवार का वह करा, ओ भाई गवार वाह तेरी लुगाई को न्या, तू भी तो उसका पति है, है? वह कोई समान है जिसने तू नू कहा मेरी लुगाई मेरी लुगाई मेरी लुगाई, और तुम सुधर नहीं सकते, तुम नहीं औरत आगे नहीं बढ़ने देनी, और हैशटैग वुमेन इम्प्रेगनेंट नहीं एम्पावरमेंट। अरे गणा चौधरी मन्ना बने पहले सुन ले, बोल दी उसने, उसने कुछ बेरा है बाबड़ी गैंड ने लिख दिया, उन्हें तो ट्वीट कर दिया बैंड चौध ने, के का बेड़ा उन्होंने गैंड का बेरा खोने बैंड चौध ने। भाई तेरे भाई ने फिर भाई उसकी पूरी डिटेल निकलवा ली, कितना भाई वो बैंड चौध कितना आवा है कितना जावे है। उसके बाद भाई उसके घर पहुँच लिए, और घर पहुँच के उस बेटी चौध की इतनी गैंड तोड़ दी, इतनी गैंड छील दी, साला ईब तू ट्विटर की छोड़ मेरे यार, वह आते जाते ना राम राम का रिप्लाई कौन देता, कमेंट की तो बात छोड़िए, बाकी बात समझ। तो मतलब आपने उसे रीट्वीट करके जवाब देना सही नहीं समझा? हम रीट्वीट करेंगे कई, हम रीट्वीट करेंगे साला, हम गांड ट्विस्ट किया करें, रीट्वीट को ना करते हम, उन्हें गेंद का पेरा बैंड चोद ने आया बैंड पट 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 लिख दिया। यो हमारी घरवाली जब आई थी ना ब्याह के, इसने भाई 10वीं कर रखी, घर में घुसते इसका ब्याह भी करवाई है, और आज इन्हें दूध दही किसता भाई पीछे छोड़ है, नू कवा बैंड बेटी चोद हम तो नू कवा बैंड चोद के छोरी हम पीछे छोड़ रहे हैं, भोसड़ी के सारी पलवाने आते लिकट रहे, मतलब मेरी बीबी के हाथ को ना चढ़ा ना साड़े के गोटे निकाल के लगा देती बड़ा, समझ में आ गई बात समझ। बाबड़ी गैंड बना है हीरो, मेरे तो मन्ना बोलिए जो नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। धन्यवाद कालू जी आपका हमारे पैनल में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई राम राम सा भाई, इतना समझाओ बहन चौदह। तो ये थे हमारे आखिरी गेस्ट जिन्होंने अपने विचार रखे ट्विटर के प्रति, और ऐसे ही भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस हमने आज इस पैनल में देखे, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस थे, अलग अलग अनुभव थे, उन्होंने हमें बताए। बंद करो बहन करोड़ ये सब, इतने टाइट कपड़े बना रखे हैं बहन करोड़ों ने, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और जो भी डायलॉग आपको पसंद आता है उसको कमेंट करके बता देना, और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा पहला स्टैंड अप बहुत सक्सेसफुल बनाया, बड़ा अच्छा लगा आप सब लोग आए। मैं दूसरा 7 तारीख को करने जा रहा हूँ गुड़गांव में मेरे ख्याल, उसकी सारी डिटेल मैं कमेंट पोस्ट वगैरह डाल के दे दूँगा या इंस्टाग्राम पर डाल दूँगा, आप लोग देख लेना, और ऐसे ही प्यार देते रहो और बहुत सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।